हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में जो मैथ्स का सिलेबस है ना केवीएस में, उसको थोड़ा तोड़ के देखने वाले हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है और वो चीज़ एग्जामिनर कहाँ कहाँ से उठा सकता है, थोड़ा सा उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ना वो जो मैथ्स का सिलेबस है वो ब्रेकअप नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए थोड़ा ब्रेकअप करने वाले हैं, वो देखिएगा। ठीक है, और बाकी जो भी और कोई वीडियो चाहिए ना वो कमेंट सेक्शन में बता दो, वो बना देंगे। ठीक है, अब देखो भाई, सारे ध्यान से देखना, सारे के सारे ध्यान से देखना। देखो, एक तो मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया ही हुआ है, ये पता है सेम टू सेम ना, उसमें सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये सारा उसमें सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ से देखो, दिखाओ आपको जरा, ये देखो, क्लास वन ज्योमेट्री स्पेशियल शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड सराउंडर्स, बता दो सेम ना लिखा हो तो, ये शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंडर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे। ठीक है, सेम क्लास टू में पता है ये क्या कर रखा है उन्होंने, क्लास वन ये जितने भी सिलेबस है ना, ये जितना भी दे रखा है ये सारा ना क्लास वन से फिफ्थ तक का है, पर ऊपर खास कर लिखा हुआ है कि जो सिलेबस है ना वो तो एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस 1 से 5वीं तक का है जो नीचे दिया हुआ है, पर जो क्वेश्चन का लेवल है ना और एप्लीकेशन है वो अप टू सीनियर सेकेंडरी पूछ सकता है, तो अप टू क्लास 12th पूछ सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। देखो, ज्योमेट्री में दिया हुआ है सॉलिड अराउंड्स दे दिया, उसके बाद क्लास टू में ज्योमेट्री 3D 2D शेप्स आ गई है ना, और नंबर्स में देखो, नंबर्स में सेम लिखा हुआ है ना, नंबर्स में डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स काउंटिंग ऑपरेशन नंबर्स, देखो सेम लिखा हुआ है, काउंटिंग डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो ठीक है, तो इसमें से देखो एक बार मैं क्या क्या आपको करना है। देखो, सारे की सारी ना बेसिक चीजें हैं जो आपको आती हैं, एक बार ये जो वाली PDF है ये एक बार देख लीजिएगा, इसमें से आपको सारी चीजें आती होंगी। क्योंकि अगर MCQ आएंगे तो जैसे कि ये ट्रेस द 2D आउटलाइन, ये आप छोड़ भी सकते हो, है ना, और ये आपको आती भी होंगी, ये फर्स्ट फिफ्थ क्लास की चीजें तो सिंपल सी होती है। ठीक है, अब ये क्लास टू ये भी से नीचे कंटिन्यू है, ये सारे रिकॉग्नाइज एंड स्पीक नंबर 1 to 9 ये तो सारे कर लेते हैं यार, नंबर्स फ्रॉम 10 to, ये सारा बेसिक लेवल है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद यहाँ पे सारा बेसिक लेवल है आपका, ये सिर्फ फर्स्ट टू सेकंड में है। मेंटल अर्थमेटिक देखो ये दी हुई ना, ये मेंटल अर्थमेटिक दी हुई है, देखो दी हुई है ना मेंटल अर्थमेटिक, तो मेंटल अर्थमेटिक एड टू सिंगल डिजिट नंबर्स मेंटली, तो ये सिलेबस में नहीं आएगा, ये बस ना उन्होंने दिया हुआ है। तो ये देखो मनी दे रखा है, मनी भी सिलेबस में दिया हुआ है ना, मनी भी सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सेम दिया हुआ है, देखो ये मेजरमेंट आ गया, ठीक है, लेंथ सारा सिलेबस में वेट एंड टाइम दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद डाटा हैंडलिंग आ गई, पैटर्न्स आ गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो, ये सेम फॉर 1 एंड क्लास 2, उसके बाद यही सेम 2 एंड 3rd के लिए भी, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए भी दिया हुआ है, यही सेम चीज थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए भी दी हुई है। ठीक है, एक बार आप ये देख लीजिए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाली में आप क्या कर सकते हो, ये सारी सिंपल चीजें आप बना लोगे, 2D 3D है, राइट एंगल है, ठीक है, 4D 4 फेज 6 फेज, ये सारी चीजें आप बना लोगे, बस थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करते हैं। जैसे राइट टेबल्स अप टू 10 इंटू 10, फाइंड द प्लेस वैल्यू इन नंबर्स बियॉन्ड 10, जैसे सारा तो आप बना ही दोगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ये तो छोटे बच्चों के लिए सिलेबस है ना। बाकी सिलेबस उसी ने यहां से उठा के दिया, सेम टू सेम उठा के दिया, क्लियर है, देखो एक बार देख लो। तो इससे क्या आइडिया लग रहा है कि ना आपको बस थोड़ा सा एडवांस लेवल जाना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल जाना है, फ्रैक्शनल नंबर्स में जैसे ये है तो फ्रैक्शनल नंबर्स की जो सिंप्लीफिकेशन होती है ना वो कर लेना, मनी में या कन्वर्ट रुपी टू पैसा यूजिंग प्ले मनी, कन्वर्ट रुपी टू पैसा एड एंड सब्ट्रैक्ट यूज, मनी वाले में वो होते हैं ना डिनोमिनेशन वाले सवाल होते हैं, डिनोमिनेशन वाले कि एक बैग में 5 50 पैसे के, 1 रुपए के, 25 पैसे के सिक्के हैं, तो ये बता दो इनका रेशियो ये है, तो ये बता दो ये कितने कितने रुपए इंडिविजुअली है ना, वो वाले क्वेश्चन करो इसमें। मेजरमेंट में लेंथ में तुम सारे के सारे वो कर लेना, बता दूंगा, चलो एक बार देख लो, ये सारा सिंपल सिलेबस दिया हुआ, इसमें ना कुछ भी तो अलग नहीं है, वही है, कंप्यूटर कंप्यूट द नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, ठीक है, कोरिलेट द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर विद नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, उसके बाद एक्सप्रेस टाइम इन AM PM, फाइंड अप्रोक्सीमेट टाइम इलेप्स, डाटा हैंडलिंग आ गई, फिर पैटर्न्स आ गए। पैटर्न्स में ना एक बात याद रखना, पैटर्न्स में क्या है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो सीरीज के सवाल जो आप करते हो ना किसमें रीजनिंग में करते हो, जैसे 5 6 7 या फिर 3,
छः, नौ, बारह, अगला बताओ। ये सारे पैटर्न्स में रीजनिंग भी आ सकती है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाइज एंड डिवाइड्स बाय टेंस एंड हंड्रेड्स, और सारे डिविजिबिलिटी रूल करना, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल, 9 के, 3 के, 7 के, 5 के, 12 के, 72 के, 49 के, 42 के, जैसे भी आते हैं ना वो सारे जरूर कर लेना, ठीक है। तो पैटर्न्स में ये आ जाएगा, जैसे लिखा हुआ ना रिलेट सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, तो थोड़ा सा इसका लेवल मीन्स सारे के सारे पैटर्न जो कि आप रीजनिंग में पढ़ते हो वो जरूर कर लेना, एक बार ये देख लो अपना ये चैप्टर जरूर करना। मेंटल अर्थमेटिक में परसेंटेज प्रॉफिट लॉ, अब देखो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है पर छोड़ के नहीं चल सकते क्योंकि ये सारा का सारा बहुत ही ज्यादा बेसिक सिलेबस है, ठीक है। तो इसलिए कृपया करके ये मेंटल अर्थमेटिक में आ जाएगा, बेसिकली अर्थमेटिक में ये सारी चीज आ जाएगी, फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड रिस्क, और यही चीज मनी में आ जाएगी। और मनी में एक मैंने बताया डिनोमिनेशन वाले मत छोड़ना, जिसमें डिनोमिनेशन वाले होते हैं ना कि एक बैग में 50 रुपये 25 पैसे जो मैंने आपको बताया वो वाले मत छोड़ना। उसके बाद टाइम वर्क पाइपिंग सिस्टम, ये टाइम में आ जाएगा। पार्टनरशिप टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो एवरेज, रेशियो में एज वाले जरूर करना, एज वाले और मिक्सचर वाले, ठीक है। मेजरमेंट में मेंसुरेशन 2D 3D जो आपने देख लिया सिलेबस में, उसका जो आपने जो भी क्लास 6 टू 8 में जो भी मेंसुरेशन का चैप्टर था वहां से कर लो। ज्योमेट्री के सारे के सारे रूल्स लिख लेना क्योंकि ज्योमेट्री दी हुई है सिलेबस में, और क्योंकि पूछ सकता है 12th तक के लेवल का, ऐसा लिखा हुआ है, तो ज्योमेट्री के सारे रूल्स कर लेना। डेवलपिंग ऑफ सेंस ऑफ नंबर में सिंप्लीफिकेशन की जो भी आप करते हैं, बोर्ड मास के प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी आप करते हैं वो सारे कर लेना किसमें, सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। अब आती है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ भी जरूर कर लेना, और डिविजिबिलिटी रूल्स जैसे कि मैंने बताया तो वो भी कर लेना सारे के सारे। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर्स दिया, फ्रैक्शनल नंबर्स जो सिंप्लीफिकेशन है फ्रैक्शनल नंबर्स की वो सारे कर लेना, उसका टाइप्स कर लेना। देखें ये देख लो, देखो ये दिया हुआ ना फ्रैक्शन नंबर, आइडेंटिफाई 1/4, 1/2, आइडेंटिफाई द सिम्बल्स, अप्रिशिएट इक्वलेंस ऑफ, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक हैं। आइडेंटिफाई इक्वलेंट फ्रैक्शंस, एक्सप्रेस अ गिवन फ्रैक्शन डेसिमल नोटेशन, है ना। तो ये तो करने ही करने हैं, प्लस जो भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल होते हैं फ्रैक्शंस वाले वो कर लेना। वेट में आपने देख ही लिया है ना, ग्राम डेसीग्राम ये सारे कर लेना, डेसीग्राम डेकाग्राम हेक्टोमीटर हेक्टीमीटर, नहीं जितने भी वेट में नहीं जितने भी आते हैं सारे कर लेना जरूर वेट में, और वॉल्यूम कन्वर्जन भी कर लेना। डाटा हैंडलिंग आप क्लास 7 की बुक से करना और क्लास 8 की बुक से करना, क्लियर है। जो भी इसमें टॉपिक्स दिए हैं वो सारे क्लियर कर लेना, और DII क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं DSSSVPRT के वो प्रैक्टिस कर लेना, या तो फिर SSC के में वो सारे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और पैटर्न का जैसे मैंने बताया इसमें क्या लिखा हुआ है पैटर्न में, तो सिंपली जो क्या बोलते हैं एक तो डिविजिबिलिटी वाले जरूर करना, ठीक है, और रीजनिंग भी इसमें आ सकती है तो उसके लिए भी तैयार है ना। आइडेंटिफाई द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर्स एंड ट्राइंगुलर नंबर्स, ठीक है। मेक ब्रॉडर स्ट्रिप एंड टाइलिंग, ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स मीन्स बेसिकली ना रीजनिंग आ सकती है मेरे हिसाब से तो, और इसमें जैसे 9 का टेबल दे देंगे, 9, 18, 27, अगला नंबर बताओ, है ना। तो मतलब इतना बेसिक नहीं आएगा पर एग्जाम्पल दिया है तो ऐसे आ सकते हैं, जैसे 4 दे देगा 9, 16, 25, 36, अगला नंबर 49, है ना, तो ऐसे पूछ सकता है। तो ये भी जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये जो ये चैप्टर लिखे हुए ना ये तो जरूर आप कर लेना सारे के सारे, क्लियर है। और सिलेबस इन्होंने ये बेसिक दे रखा, इसे इसको एक बार ना देख लेना, जो चीज वैसे तो आपको सारी चीज आती ही होंगी, जो चीज नहीं आती वो देख लेना, ठीक है। तो ये था पूरा मैथ्स का सिलेबस, देखो सारा का सारा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है ये सारी चीज, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना तुम, ये पूरा का मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। अब EVS के लिए भी ना कुछ मैं सोच रहा हूँ ढूंढ डांड के निकाल दूं कैसे ना कैसे, ठीक है, अगर वो चीज तो बता देना, क्लियर है वाली बात। अब ये देख लो तुम लोग, अभी देख लो, अगर और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में कर देना, ठीक है। NIOS की क्लासेस चल रही है अश्विनी सर की चैनल पे, और बाकी एक थोड़ा सा हम KVS से अकॉर्डिंग पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसकी एक वीडियो हम डाल देंगे इसी चैनल पे डल जाएगी, ठीक है, ट्राई करेंगे, उसमें देख के होता ना कैसा है, अगर सही लगेगा तो वैसा ही ट्राई करेंगे, क्लियर है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में डाल देना, फॉर्म आपने भर दिया होगा तैयारी अपनी जोर जोर शोर से चला के रखो, एग्जाम पास में है,
तैयारी अपनी खींच दो बाकी, ठीक है। तो आपसे मिलते कल की अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।